ये है शाम का वक्त, यहाँ पे कपड़े उठा रही थी मैं, डाल दिए थे सूख गए थे, अब जल्दी सूख जाते हैं, तो ये शाम का ही है वक्त डाट। और यहाँ पे कपड़े डाले थे जो मैंने सुबह सुबह क्या दोपहर में डाले थे 12 के बाद, तो ये सूख गए थे, तो ये उठा रही थी, तो मैंने सोचा वीडियो भी यहीं पे कर दूँ स्टार्ट। फिर उसके बाद यहाँ पे थोड़ा तैयार हो रही थी, थोड़ा मैंने बनाया था, उसके बाद नहीं बनाया वीडियो। ये है 7 बजे के बाद का, हस्बैंड चले गए ड्यूटी, उसके बाद का है ये। जी आप सब, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, सभी को गुड इवनिंग। शाम से ब्लॉग स्टार्ट किया, शाम हो गई, बज गए 7, और कपड़े मैंने डाले थे वो उठा लिए थे, मैंने यहीं से वीडियो स्टार्ट किया। थोड़ा तैयार तो क्या, रूड़ा उड़ा तो लगा ही है, सिर्फ थोड़ी लिपस्टिक लगा के मैं मार्केट जा रही, क्योंकि गाँव जाऊँगी थोड़ा बहुत सामान लेके आ जाऊँगी इसके लिए, कुछ अपने लिए थोड़ा बहुत। तो मैंने सोचा वीडियो भी स्टार्ट कर दूँ, आप लोग बने रहना। एक लाइट कर दो बंद यहाँ की, एक जल में लूँगी, 2 लाइट तो फटाफट से जल्दी जाऊँगी, फिर रात हो जाएगी इसलिए, तो जल्दी से अभी जाऊँगी तो थोड़ा उजाले में दिख जाता है, तो चलो जल्दी जल्दी ये उठाते, ये तक ये रख दो, तो आके कपड़ा फिर तय करूँगी, काम तो काफ़ी है, आके करूँगी करूँगी, नहीं तो फिर हाँ लेके चलो इसे। और ये मना कर रही थी, मैं नहीं जाऊँगी आप चली जाओ, इसे देखना था नाटक, नाटक के इतना ऐसे शौक है। फिर मैं ज़बरदस्ती लेके गई, मैं बोली अपने आप लेके देख लेने लेना, कौन अच्छा लगेगा क्या, जो पसंद हो बोल लेना, चल साथ में अकेली जाऊँ, चलो। फिर ये बड़े उसमें तैयार हुई, फिर ये गई, तो यहाँ पे ब्लॉक लगा दूँगी, इसी कमरे में डाल दूँगी, और तो खुला रहेगा, वैसे खुला तो कोई नहीं, कुछ कोई नहीं आता जाता, पर फिर भी लगा दो, अपनी सेफ्टी अपने हाथ में होती, तो इसी में डालूँगी। उसके बाद ये किचन की लाइट आइट बंद की, और इस कमरे की लाइट बंद कर दूँगी, लाइट तो जल्दी रही, गेट फिर दूँगी इसका भी, और निकल गई, थोड़ा यहाँ पर आ गई थी, है देखो उजाला है अभी, और फिर आते आते 8:15 हो गए थे, 1 घंटे में तो रात हो ही गई थी, 7:10 निकली थी, तब भी उजाला ही था, देखो लाइट है तो जल रही। और काफ़ी बड़ा मार्केट लगता है, बहुत बड़ा लगता है, जब मैं गई तब इतनी भीड़ नहीं थी, पर वापस जब आई घर के लिए भाई इतनी भीड़ होगी, पूरा भर गया है, बहुत भीड़ होती, बहुत बड़ा मार्केट लगता है, घूमते घूमते थक जाओ, पर पूरा तो मैं कब नहीं घूमी, थोड़ा जहाँ जहाँ सामान लेना था वहीं पर लिया मैंने, और यहाँ पे नेल पॉलिश सब देख रही थी, तो थोड़ा थोड़ा ले लूँगी जो भी लेना होगा ज़रूरत का सामान। और मार्केट आऊँ और छोटे भटूरे ना खाऊँ तो ऐसा तो नहीं होता है, आज मैंने दिखा दिया आप लोगों को, वैसे मैं दिखाती नहीं हूँ, यहाँ पे 2 प्लेटें लगाई, 1 प्लेट पर टिका रही थी, मैंने वो भी थोड़ा पंखी लगवाई आंटी ने, यहाँ पे खुली थी तो ये खिड़की, दिक्कत हो रही है कट ना जाए, अभी आके देखना मेरी, अब यहाँ पे लगा दूँ झाड़ू, पूरा गंदा गंदा हो गया, आंटी ने मुझे मार्ग बाजार नहीं करने दिया, फ़ोन पे नहीं उठाया, नहीं मैं कहूँ पता नहीं किसका है, नंबर सेव था नहीं, फिर 4-5 बार आके ही रह गया, फिर मैं बोली पता नहीं किसका है, कोई इमरजेंसी हो, फिर मैंने मार्केट में उठाया, वहाँ कुछ सुनाई नहीं दे रहा, बोली मिस्त्री आ गया घर में खड़ा, और आ जाओ जल्दी, फिर मैं भागती भागती आई, फिर उन लोगों ने लगाई खिड़की, काफ़ी दिन से पड़ी ऐसी, तो इस वजह से फिर उन्होंने लगवा दी, और यहाँ पे कूड़ा हो गया था तो ऐसे कर लूँगी सब, वैसे रात के झाड़ू लगाते नहीं, पर मैंने लगा दी, कूड़ा था इसलिए, और मैं छोले भटूरे खाए, उसके बाद फिर मैंने मोमोज भी खरीदे थे 20 रुपए के, 20 के लिए थे, पर वहाँ नहीं खाए, वैसे वहीं खा के आती हम दोनों माँ बेटी, फिर मैं आंटी का फ़ोन आ गया, तो इस वजह से फिर मैं घर लेके आई, फिर बाद में खाई, जब खिड़की लग के काम हो गया उसके बाद, और यहाँ पे जो सामान लेके आई थी मैं दिखाने लगी, ये इसे मैंने बोला पहन के देखो, फिर मैंने सोचा थोड़ा वीडियो भी बना लूँगी, ये अपने लिए प्लाजो लेके आई, 2 लेके आई थी, 100-100 रुपये के थे, गर्मी में सही रहते, आराम मिलता, पजामे पहनो तो उससे उलझन सी होती, मेरे तो यहाँ पे कहीं खुजली मचेगी, कहीं यहाँ पे आ रहा हूँ मैं तो रात में सो भी नहीं पाती, अगर पजामे पहन लूँ दिक्कत हो जाती है, और प्लाजो में आराम मिलता है, आराम से पहन लो। और यहाँ पे इसके लिए पैंट लेके आई थी, और ये टॉप थे, पर ये वाला उससे नीला वाला जो मैंने दिखाया उससे ये वाला सस्ता था, ये वाला 200 के थे, और वो वाला 250 का था, तो ये वाला जो 250 का था, ये वाला
200 वाला ज़्यादा अच्छा लगा, इसके ऊपर अच्छा लग रहा था। ये सामान दिखाने लगी, नैन कटल लेके आई थी और इसकी घड़ी, ये बोली मुझे घड़ी ले दो, मुझे घड़ी ले दो, फिर इसके लिए घड़ी ले दी और अपने लिए थोड़ा बहुत सामान ले लिया था। ऐसे जाओ तो बहुत खर्चे हो जाते, पैसे समझ नहीं आते। और यहाँ पे काजल पेंसिल ली थी और नैन पॉलिश ली और क्या लिया था, ये चिमटी ले ली थी इसके लिए, इसने बोला अच्छी लग रही। और ये है आईलाइनर और ये है लिपस्टिक, ये थोड़ा बहुत ले लिया, तो मेरे पास रखा है पर थोड़ा थोड़ा ले लिया था, अच्छा लगा। और मेरे चाचा के अपने बेटे के लिए लिया, मेरे चाचे का लड़का आया था अभी, छोटा ही है मेरे बेटे से, 1 साल छोटा है। आंटी ने फ़ोन किया, मैं उठाऊँ नहीं, वहाँ मार्केट इतनी भीड़ में, वहाँ के फ़ोन में पता नहीं किसका आ रहा, घर में जाके बात करूँगी, आके रह गया, 2-3 बार काट दिया, फिर आया, फिर मैंने उठाया, बोले मिस्त्री आ गए घर में और आ जाओ जल्दी, फिर मैंने इसे फटाफट से जल्दी जल्दी भेजा, मैं बोली तू जा, पर तब सामान खरीद रहे थे, तो फिर मैं आई बाद में, इसे भेज दिया था। और सामान मैंने अभी दिखा दी, खोल के क्या क्या लेके आई, जाओ मार्केट पे लगते ही भी ले लो, अभी सामान अभी मार्केट से थोड़े बहुत लेके आई, अभी तो फिर मार्केट जाना है, ये पहन के देख रही, अभी मैं दिखा रही पहले आपको। तो चाचा के बेटे के लिए पैंट शर्ट लिया, इसके लिए देखो इसे पहनने थी, उसके जींस के नीचे पहन, देखो इसके ऊपर अच्छा लग रहा है, ये देखो ये मुझे अच्छा लगा, कह रही थी ऐसे ही और खरीदे रख दो, उसके बाद अभी तय करूँगी बाद में, क्योंकि कुर्सी अभी रखी थी बाहर, आंटी आई थी उन्हें दी बैठने के लिए, और फिर उस टाँड पे रखा था वो खिड़की दोनों, तो वो निकाली तो ये कुर्सी वहाँ पे एक रखी, तो ये कपड़े यहाँ पड़े, अभी कल करूँगी तय, इसी कुर्सी पर रख दूँगी अभी, और ये सामान जो है ये वो कर दूँगी। ये वाला 250 का था, ये वाला कम अच्छा लग रहा था मुझे भी, पर हाँ मैं बोली अच्छा है कोई नहीं ठीक है, जैसे अलग अलग लेने चाहिए डिजाइन भी, तो यहाँ पे कर दूँगी तय ये कपड़ों को। और देखो कितने रखे, देखो ये कल करूँगी, अब टाइम हो गया 9:30-10 का टाइम हो गया था, तो इस वजह से तय नहीं करनी का कुछ कपड़े, ये जो रखे ये रख दूँगी तय करके। आई हूँ साड़ी का तो मैं लेने साड़ी आड़ी तो नहीं गई, इतना मार्केट से खरीदी कभी, लेकिन वहाँ इतनी अच्छी बिक रही थी साड़ियाँ, इतनी सस्ती सेल लगी थी, तो ये लेके आ गई, इसे पसंद आया ये कलर। वहाँ जल्दबाजी में फिर फ़ोन कर दिया कि वो मिस्त्री खड़ा है, तो उनकी वजह से मैंने छाँट नहीं पाई, लेकिन इसलिए थी कलर इसे अच्छी लगी। मेरे पास अभी हस्बैंड गाँव से लेके आए थे है, पर ये डिजाइन अलग है, वो सिंपल है, ये अच्छी लग रही, और ये कितने की होगी, सस्ती मिल गई मुझे। वैसे तो मैं सूट ले रही थी, साड़ी तो मुझे लेनी नहीं थी, वो भी रखी उसके भी ब्लाउज, और ऐसी है ये साड़ी पूरी ऐसी है। ये मिली वैसे 500 की, 2 दे रहा था और 1 दे रहा था 300 की, फिर मैंने जबरदस्ती उससे बोला, मैं बोली 250 रुपये है मेरे पास चेंज, तो फिर 250 की उसने लगा ली। देखो 250 की है, अच्छी है, वैसे जाओ तो ये 700-800 से कम की नहीं मिलती, मुझे पता है, मैं खरीदती हूँ साड़ी तो मुझे पता है साड़ी के बारे में, सूट के बारे में इतना ना पता हो, पर साड़ी के बारे में मुझे पता रहता, हमारे पास बहुत भारी रखी, तो ये भी ले ली, तैयार कर लूँगी, ब्लाउज इसका देखूँगी, नहीं तो ब्लैक ले लूँगी, रेडीमेड लूँगी, अब सिलाऊँगी नहीं, कौन सिलाई थी, सिलाई थे घर में, फिर हमारे पास इतना टाइम नहीं है। ये साड़ी आप लोग बताना कैसी लगी साड़ी, पहनूंगी किसी दिन, पहन के फिर दिखाऊंगी, अभी तो इतना टाइम है नहीं, अब वीडियो का भी एंड कर दूंगी, उम्मीद करूंगी आप लोगों को पसंद आएगा, फिर मिलूंगी अच्छे से नए से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।